ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स के रूल्स मैं आपको समझा रहा था। एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स में लास्ट मैंने आपको जो लेक्चर आपने देखा होगा उसमें बिजनेस परचेज के रूल्स मैंने समझाए थे। अभी इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है, डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसमें क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या उसके एक तरीके से जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, वो मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझो। जब भी हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपको एज ए सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अगर हम उनके पैसे लेके भाग जाएं तो वो हमारे कोई एसेट वगैरह बेच के, कोलैटरल सिक्योरिटी बेच के अपने लॉस को रिकवर कर लें। तो अब जब कंपनी वाले बैंक से लोन लेते हैं तो कंपनी वाले एज अ मॉर्टगेज, ठीक है, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, जमीन जायदाद एसेट्स वगैरह तो कोलैटरल में दे ही सकते हैं, पर कंपनी में डिबेंचर्स भी एज अ कोलैटरल इशू हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बैंक वालों को क्या बोलते हैं कि आप हमें लोन दो, सपोज करो 10 लाख का लोन, ठीक है, तो एंड हम आपको एक तरीके से 12 या 13 लाख रुपए के हमेशा लोन से, जो भी आपने लोन लिया है, कोलैटरल सिक्योरिटी के अमाउंट हमेशा उससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही होती है। ठीक है, ये रियल लाइफ में बता रहा हूँ, सम्स में कभी कभी इक्वल भी होती है, कम कभी नहीं होती। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी की वैल्यू लोन से इक्वल या लोन से ज्यादा ही होती है हमेशा, एंड रियल लाइफ में ज्यादा ही होती है। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो 10-15 लाख का तो आपको ऑब्वियसली 20 लाख के आसपास की कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो अब कंपनी वाले ने सपोज करो लोन लिया 10 लाख रुपीज का, एंड कंपनी वालों ने डिबेंचर्स इशू किया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब हम कंपनी वालों को क्या बोलेंगे कि आप हमें लोन दो 10 लाख रुपए का, एंड हम आपको डिबेंचर्स देंगे 15 लाख रुपए के, पर ये डिबेंचर्स जो है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इस पे हम कंपनी, इस पे कंपनी वाले बैंक वालों को कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करेंगे। नॉर्मली डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होता है, वो भी एक टॉपिक है, वो भी मैं इसके बाद कवर करूंगा, पर नॉर्मली डिबेंचर्स पे जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं तो इंटरेस्ट पे नहीं होता है। मतलब हम कंपनी वालों को ऐसे बोलेंगे कि अगर हम आपका लोन का पैसा नहीं भरे तो आप ये डिबेंचर्स बेच देना। ठीक है, तो आप ये डिबेंचर्स एक तरीके से मार्केट में बेच देना। मतलब हमने बैंक वालों को डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे दिए हैं, पर एक्चुअल में हमने पब्लिक में डिबेंचर्स इशू नहीं किए, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिबेंचर्स तभी इशू होंगे, ये डिबेंचर्स तभी इशू होंगे जब हम अपना लोन का पैसा पे नहीं करते। अगर हम अपना लोन का पैसा पे कर देते हैं तो जब भी हम पैसा पे कर देंगे बैंक वालों को तो हमें अपना पैसा, अपने डिबेंचर्स जो है वो वापस मिल जाएंगे। अब इसमें दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक है इसमें फर्स्ट मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, मतलब कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है, एंड दूसरा मेथड है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। अब इसमें हमेशा है ना, सबसे पहले मैं सेकंड मेथड समझाता हूँ, ठीक है, सेकंड मेथड समझोगे तो फर्स्ट मेथड ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, हमने डिबेंचर्स इशू किए कोलैटरल सिक्योरिटी पे, एंड हमको एक तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ हो तो वैसे भी हम लोग बाय डिफॉल्ट सेकंड मेथड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, ओके, अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ है तो आप सेकंड मेथड ही फॉलो करोगे। तो पहले सेकंड मेथड सीखो, फर्स्ट मेथड इजी है बहुत, वो भी मैं समझाऊंगा। अब सेकंड मेथड में लिखा हुआ होगा कि हमने बैंक का लोन लिया, सपोज करो 10 लाख रुपीज का, तो उसकी सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक के लोन मिलने की एंट्री। जब बैंक का लोन मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, पैसा आएगा तो बैंक लोन अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे, सपोज करो 10 लाख, एंड बैंक लोन जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, बैंक लोन जो है वो क्रेडिट होगा। तो ये आपकी पहली एंट्री बनेगी जब आपको बैंक लोन मिलेगा तब। उसके बाद सेकंड एंट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जब हमने डिबेंचर्स को कोलैटरल के सिक्योरिटी के हिसाब से इशू किया होगा। अब ये इसकी फिक्स्ड एंट्री है, ठीक है, मतलब ये जो दो एंट्रीज हैं ये एंट्रीज फिक्स्ड रहती हैं, ये एंट्रीज भले कोई भी सम आप मेरे को दे दो, ये दो एंट्रीज ही रहेगी, सेम टू सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये टॉपिक ईजी है बहुत, क्योंकि इस पे दो एंट्रीज ही हैं, ठीक है, दो एंट्रीज ही आपको सिर्फ याद रखनी, उसके बाद और कुछ न्यू इस पे नहीं आता है। तो जब डिबेंचर्स हमने सिक्योरिटी के हिसाब से इशू किए
तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट एंड डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट होगा क्रेडिट। सपोज करो 15 लाख के डिबेंचर्स हमने इशू की, तो 15 लाख के डिबेंचर जो है वो डेबिट होंगे एंड 15 लाख डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मैंने डेबिट क्यों किया, इसका क्या मीनिंग है, जब मैं बैलेंस शीट में इसके इफेक्ट्स आपको सिखाऊंगा तब ध्यान से पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट है, इस पे इक्विटी या लाइबिलिटी का कॉलम बनेगा लाइबिलिटी साइड, उसके बाद पहली मेन हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके नोट्स बनेंगे, नोट्स टू अकाउंट, उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में टर्म लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया। इसके बाद नीचे नीचे यहाँ पे आप लिखोगे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। सपोज करो आपने 10% डिबेंचर्स और हर एक डिबेंचर जो है वो आपने सपोज करो 100 रुपए का इशू किया है या 150 का इशू किया है, जितने में भी, एंड ऐसे आपने 15,000 डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है। सपोज करो 15,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 15,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, ठीक है, तो ये होता है 15 लाख। अब इस पे से आप डिबेंचर सस्पेंस जो है वो माइनस करोगे। अब देखो एंट्री में डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हमने क्रेडिट किया है एंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया है। क्यों हमने डेबिट किया है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस जो है वो भी 15 लाख जो है वो माइनस होगा, 15 लाख जो है वो क्रेडिट होगा, तो इसका जो बैलेंस है वो आएगा 0 रुपीज। अब ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमने क्यों लिखा है, इसको हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि एक्चुअल में ये डिबेंचर्स हम लोग इशू नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक को हम ये डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे हैं, ये डिबेंचर्स हम लोग एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। जब डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू होते हैं तो हम अपने बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पर ऑब्वियसली ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, डिबेंचर्स का पैसा हमें पे नहीं करना है क्योंकि डिबेंचर्स अभी तक हमने इशू नहीं किए। डिबेंचर्स जैसे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ओके, कुछ ना कुछ सालों बाद हमें ये पे करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड ईयर्स के बाद, वो स्टार्टिंग में बताया हुआ होता है, उसके बाद हमको डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। पर अगर हम बैंक के लोन पे कोलैटरल के हिसाब से डिबेंचर्स इशू करते हैं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने बैंक का लोन जब तक हम पे कर रहे हैं तब तक ये डिबेंचर्स का पैसा हमें पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसे बैंक वाले हमें डराने के लिए रखेंगे अपने पास के, अगर तो पैसा नहीं देगा तो ये मैं बेच दूंगा, ओके, पर ये डिबेंचर्स का पैसा हमें वापस नहीं देना है, तो इसीलिए आप डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट करोगे एंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो आप डेबिट करोगे। मतलब आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे, आप जर्नल एंट्री करोगे एंड रिकॉर्ड करोगे कि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, आप बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड भी करोगे इस तरीके से, पर ऑब्वियसली इसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि इसका 15 लाख प्लस होगा एंड 15 लाख उसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिर्फ ये जो टर्म लोन फ्रॉम बैंक है इसी का बैलेंस जाएगा 10 लाख रुपीज और कुछ इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और नीचे ये मैंने नोट भी पहले से ही लिख दिया, ये रूल्स क्या मैं पहले से ही बना के लिख देता हूँ, ये इसकी नोट है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जब हम डिबेंचर्स कोलैटरल पे इशू करते हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, फर्स्ट मेथड ऊपर से बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, ये रही फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, ठीक है, जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं तब एक तरीके से क्या होता है, तब सिर्फ बैलेंस शीट के इफेक्ट्स होते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है तो आपको सबसे पहले लोन मिलेगा 10 लाख रुपीज का, वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद है ना आप नोट्स टू अकाउंट में नीचे जो प्लस माइनस मैंने अभी किया वो नहीं करोगे, आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख दोगे कि ये जो टर्म लोन है, दिस टर्म लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 15,000, सपोज करो 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलैटरल। मतलब फर्स्ट मेथड में सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि हमने 15,000 डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है, इसका कोई भी आपको इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाना है, जर्नल एंट्री भी आपको नहीं करनी। तो ये फर्स्ट मेथड है, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, इस पे सिर्फ टर्म लोन में हम लोग 10 लाख रुपीज यहाँ पे लिख देंगे, एंड दूसरा नीचे
सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, उसमें दो जर्नल एंट्रीज होगी एंड उसमें ये हम लोग जो डिबेंचर अकाउंट है पहले वो यहाँ पे प्लस करेंगे, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस जो डेबिट हुआ वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी इससे इसके साथ ही कनेक्टेड है। यहाँ पे दो मिनट रुको तो मैं आगे, हाँ थोड़ी जगह बना लो। अब कभी कभी ये होता है कि हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड हम लोन का पैसा पे नहीं करते। ठीक है, तो अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले हमको पहले तो नोटिस देंगे कि आपने लोन का पैसा नहीं पे किया, आपकी इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई है, शायद आपकी इंस्टॉलमेंट गलती से स्किप हो गई है। ठीक है, ऐसा मैसेज आएगा, ऐसा कॉल आएगा, तो प्लीज आप अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा भर दो। ठीक है, एक दो बार ऐसी नोटिस आएगी, एक दो बार आपको कॉल्स भी आएंगे, उसके बाद बैंक वाले आपको धमकी देंगे। ठीक है, कि भाई भूलो मत, आपके डिबेंचर्स हमारे पास है, अगर आपने पैसे नहीं पे किए तो हम डिबेंचर्स को इशू कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद भी अगर हमने हमारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की तो बैंक वाले सच में हमारे डिबेंचर्स जो है वो इशू कर देंगे, मतलब हमारे डिबेंचर्स जो है वो ओपन मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि आपका जो लोन था वो कन्वर्ट हो जाएगा डिबेंचर्स में। ठीक है, जो आपका लोन की अमाउंट थी, जो आपकी लोन की अमाउंट थी, अब वो डिबेंचर्स पे कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब बैंक वाले क्या बोलेंगे कि भाई हमने तो 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, हमने बेच दिए। ठीक है, हमने 15 लाख के डिबेंचर्स जो बेच दिए, हमारे पास 15 लाख आ गए। ठीक है, अभी हमको आप पैसे दो या नहीं दो चलेगा। ठीक है, पर अभी ऑब्वियसली जिनको भी बैंक वालों ने वो डिबेंचर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में, ऑब्वियसली वो सब हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं, मतलब हमने डिबेंचर्स एक तरीके से पब्लिक में इशू हो चुके हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टेप वन, जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री थी, सबसे पहले तो वो रिवर्स होगी, मतलब ऊपर ही जस्ट मैंने आपको सिखाया। सेकेंड एंट्री, जब हम डिबेंचर्स कोलैटरल पे इशू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा एंड डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम पैसा पे नहीं करेंगे तो डिबेंचर सस्पेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब डैश डैश परसेंटेज जो है वो डेबिट हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिबेंचर सस्पेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमने पहले तो एंट्री रिवर्स की एंड उसके बाद द लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ठीक है, मतलब जो बैंक लोन फर्स्ट एंट्री में बैंक लोन को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था, हमारी लायबिलिटी थी, अब वो बैंक लोन जो है वो भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक लोन जो है वो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो भी बैंक में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा पे करना बाकी है, जो भी हमारा बैंक वालों को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना बाकी है वो भी यहाँ पे बैंक वाले जो है वो डेबिट करेंगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे तो 15 लाख ही आएगी अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी 15 लाख आएगी। अब सपोज करो बैंक लोन जो था, बैंक लोन हमने इंस्टॉलमेंट्स पे सपोज करो हमने 9 लाख के आसपास का पे कर दिया। ठीक है, 9 लाख के आसपास का हमने पे नहीं किया तो बैंक लोन डेबिट होगा। ठीक है, सपोज करो हमने 6 लाख रुपीज का इंटरेस्ट भी पे नहीं किया तो फिर वो डैश डैश परसेंटेज अकाउंट्स में 15 लाख रुपीज जो है वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा बैंक वाले इसी हिसाब से देखते हैं, बैंक वाले एग्जैक्टली उस मोमेंट का इंतजार करेंगे जब ये सारी अमाउंट्स इक्वल हो जाएगी। मतलब बैंक वाले देखेंगे 9 लाख रुपए लोन का बाकी है, 6 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना बाकी है, अभी भी अगर हमने इनके डिबेंचर्स इशू नहीं किए, अभी भी अगर हमने इनके डिबेंचर्स एक तरीके से एज ए कोलैटरल पे नहीं बेचे तो बैंक वालों का नुकसान हो जाएगा। तो बैंक वाले इस मोमेंट का इंतजार करेंगे, तब तक वेट करेंगे जब तक ये एंट्री इक्वल नहीं हो जाती 15 लाख रुपीज के आसपास, जब तक आपने पैसे नहीं पे किए तब तक वो वेट करेंगे, उसके बाद आपके डिबेंचर्स मार्केट में इशू हो जाएंगे। तो सपोज कर आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया, 9 लाख रुपए आपने नहीं पे किया एंड 6 लाख रुपए इंटरेस्ट भी आपने पे नहीं किया तो 15 लाख हो गया। जैसे ही 15 लाख हुआ आपके डिबेंचर्स एक तरीके से वो लोग बैंक वाले इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोलैटरल का सब टॉपिक था, व्हेन नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे रूल्स सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके सम्स में एक साथ करवाऊंगा सारे पूरे चैप्टर के। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये रूल्स अपने थ्योरी वाले पेजेस में लिखना। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये फर्स्ट मेथड, पॉज करके लिखते रहो। उसके बाद ये सेकंड मेथड, व्हेन जर्नल एंट्रीज पास, उसकी दो जर्नल एंट्रीज होगी
और बैलेंस शीट के इसके इफेक्ट्स होंगे। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि डिबेंचर डैश डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद अगर हमने पैसा नहीं पे किया तो फिर ये दो एंट्रीज होगी।